आपको सीधा लिए चलते हैं दिल्ली, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल जारी है। आज 55 एक्टिव केसेस है जिनको भी प्रॉपरली क्लिनिकली मॉनिटर किया जा रहा है। साथ ही अगर आप देखें इन टर्म्स ऑफ इसके क्या चैलेंजेस थे जिले के, तो वहां पर अब्रॉड पॉपुलेशन अराउंड 15.38% थी। थर्ड केस जो इंडिया में रिपोर्ट हुआ उसकी चाइना से ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसको जिले में कंटेन किया गया, मॉनिटर किया गया। सेकेंड वेव जब 16 मार्च से वेस्ट एशिया से जो इस जिले के रहने वाले लोग लौटे, तो उसकी वजह से सडन स्पर्ट इन केसेस वहां पर नोट किया गया। काफी चैलेंजेस थे, चैलेंजेस के रूप में देखे तो एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट था, स्टेट कैपिटल से दूर था, ज्योग्राफिकली डिस्टेंट था मेजर टाउन से, साथ में इतने सारे लोग एनमास जब लौटे विदेशों से जो एक्सपैट्रिएट, तो वो किसी किसी एयरपोर्ट पर आए, किसी एयरपोर्ट से डिफरेंट मेथोडोलॉजी से ट्रैवल करके रेल से रोड से वो जिले में पहुंचे, तो उससे संबंधित कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग उन सब केसेस में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी था। इसके साथ ही अगर हम देखें कि क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोच जिले ने ली, तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक सीनियर ऑफिसर को वहां पर स्पेशल ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया, ताकि वो जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जिले के जितने भी विभिन्न अंग हैं उनको कोऑर्डिनेट करके उनके साथ काम कर सके। उन्होंने लैब के ऊपर फोकस किया, उन्होंने हॉस्पिटल बनाने पर फोकस किया, और उसके रूप में देखें तो जैसे कि हमारा क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी है, तो उन्होंने उससे संबंधित इंसिडेंट कमांडर्स बनाए, होम क्वारंटाइन किया उन लोगों को जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, साथ ही एक सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर एक आईसी कैंपेन जिले में लॉन्च की गई जिसको ब्रेक द चेन नाम दिया गया। सारे जितने भी हमारे क्लस्टर के रेड कलर में जो हमने कंटेनमेंट जोन बनाई उनको आइडेंटिफाई किया गया, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया टेक्नोलॉजी के रूप में, 7 ड्रोन को एम्प्लॉय करके सर्विलेंस के लिए यूज किया गया, और जितने भी होम क्वारंटाइन के केसेस थे उनको जियो स्पेशल मेथोडोलॉजी की तरह से ट्रैक कर दिया गया, ताकि लोग होम क्वारंटाइन को फॉलो कर रहे नहीं कर रहे हैं। इन सब चीजों को करते हुए इसेंशियल कॉमोडिटीज की किसी भी तरह से कमी ना हो उसके ऊपर भी जिला लेवल पर फोकस किया गया। इसके साथ ही अगर आप देखें तो जितने हमारे पॉजिटिव केसेस आए उससे संबंधित 17,373 जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट थे उनको ट्रेस किया गया, उनको क्वारंटाइन किया गया, डेली सैंपल्स पर फोकस किया गया, टेस्टिंग लैब स्टार्ट की गई, कोविड केयर सेंटर बनाए गए जिसमें 709 बेड थे, और साथ ही जितने भी प्राइमरी सेकेंडरी और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट थे उनको आइसोलेशन सेंटर्स में ले जाकर उनको प्रॉपरली मॉनिटर किया गया। एक हॉस्पिटल को 200 बेड के हॉस्पिटल को वहां पर हमने ऑपरेशनलाइज किया 4 दिन के अंदर, और एक आईसीयू फैसिलिटी भी बनाई, और साथ में हाउस होल्ड सर्वे के लिए जो हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं, आशाज हैं और हेल्थ इंस्पेक्टर्स हैं, उनके द्वारा हाउस टू हाउस सर्वे किया गया। एक केयर फॉर कासरगोड इनिशिएटिव के नाम पर सोशल वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज, उसमें कोई दिक्कत ना हो उसके ऊपर भी कार्य किया गया। फ्री फूड किट्स प्रोवाइड की गई पुअर और माइग्रेंट वर्कर्स को, ब्लैक मार्केटिंग होल्डिंग और प्राइस राइज को मॉनिटर किया गया, साथ में शेल्टर होम और कम्युनिटी किचन के द्वारा वहां पर इंश्योर किया गया जो पुअर और डेस्टिट्यूट हैं उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही हेल्थ चेकअप किया गया जितने भी माइग्रेंट और डेस्टिट्यूट से ऑल्टरनेट डे, ताकि उनकी हेल्थ को भी मॉनिटर किया जा सके। जो मेजर एफर्ट रहा वह यह रहा कि जो भी प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं या हाई रिस्क केसेस हैं, जैसे कि 60 साल एंड अबव, उनको स्ट्रेट अवे क्वारंटाइन करके आइसोलेशन सेंटर्स में ले जाया गया, ताकि उनको इफेक्टिव मॉनिटर किया जा सके। 100% हाउस होल्ड सर्वे किए गए ताकि सिम्टम्स मॉनिटर किए जा सकें। इसेंशियल कॉमोडिटीज एक बहुत मेजर इंटरवेंशन रहा, और साथ में इफेक्टिव अवेयरनेस कैंपेन, जो भी कार्य किया गया वह कम्युनिटी को मिलाकर कम्युनिटी को जोड़कर किया गया। और मैं आप लोगों को आखिर में यही बताना चाहूंगा कि वी गॉट वेरी पॉजिटिव रिजल्ट्स कि जब लोग ट्रीटमेंट के बाद क्योर होने के बाद वो अपने घर लौटे। मैं आप लोगों से अंत में यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये एक हमारी कंटिन्यूड बैटल है, इसमें हम सब लोगों को मिलकर काम करना है, सब लोगों को सपोर्ट करना है। यह समस्त सरकार, संपूर्ण समाज, सब लोगों को मिलकर करने वाला एक उद्यम है, जिसमें हमें कोई भी आदमी किसी का भी ऐसा ना हो कि हमें सपोर्ट ना मिले, हमें सबका सपोर्ट मिले, और हम इस बैटल में जीत के इस देश की तरफ से एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल दुनिया के सामने रखें। धन्यवाद। धन्यवाद। ICMR के लिए क्वेश्चन है, ऑनलाइन क्वेश्चन, व्हाट इज द डेमोंस्ट्रेशन स्टडी दैट ICMR इज डूइंग फॉर HCQ? इज इट ए रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल? इफ नॉट, व्हाट इज द डिजाइन? ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की स्टडी है, ये ऑब्जर्वेशनल यानी कोहर्ट है, ये कोई ट्रायल तो कर नहीं रहे हैं।
क्योंकि ट्रायल करने के लिए जो बेस चाहिए वो उतना एविडेंस बेस हम ले नहीं पा रहे हैं। इसमें तकरीबन 480 पेशेंट्स एनरोल होंगे, ये 8 हफ्ता चलेगी। ऐसे अंदाज है कि वो शायद उसको ढाई महीने का टाइम तो लगेगा ही। और एक हमको समझना चाहिए, ये लॉकडाउन का पीरियड है, वो काम करना भी उतना ही हमारे लिए कठिन जा सकता है। ये करते वक्त हमने ये समझ के दूसरी एक स्टडी लॉन्च की कि जिसमें जो लोग जब पता चला हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का एक स्टडी होने वाला है तो कुछ लोगों ने, हेल्थ केयर वर्कर्स ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना शुरू कर दिया, तो उनमें साइड इफेक्ट्स क्या हैं उसका भी पता करने के लिए एक स्टडी लॉन्च की गई। वो जो स्टडी है इसमें ये पता चलता है कि एवरेज एज वो लोगों का 35 साल था, और ये 35 साल की उम्र वाले जो लोग हैं इनमें सबसे ज़्यादा कोई लक्षण दिखाई दिया तो वो था एब्डोमिनल पेन, जो उन्होंने रिपोर्ट किया है 10% लोगों को एब्डोमिनल पेन हुआ, तकरीबन 6% लोगों को नौशिया यानी उल्टी होने का महसूस हुआ उनको, बाकी जो थे वो कम प्रपोर्शन में मिले, जैसे कुछ लोगों को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ वो तकरीबन 1.3% लोग थे। इसमें एक चीज उभर के आ रही है कि ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनमें से तकरीबन 22% जो वर्कर्स थे उनको या तो डायबिटीज था, ब्लड प्रेशर था, या कोई कोरोनरी वैस्कुलर डिसीज वाली कोई बीमारी थी, या रेस्पिरेटरी इलनेसेस थे, शायद उसके डर से वो लोगों ने शुरू किया होगा। सबसे जो हमको एक नज़र जो आया जिसके बारे में सब लोगों ने सोचना चाहिए कि हेल्थ केयर वर्कर्स रहते हुए भी तकरीबन 14% लोगों ने खुद का ईसीजी भी निकाला नहीं था। तो ये एक किस्म की स्टडी, ये भी ऑनगोइंग है। एम्स में दोनों क्लोरोक्विन के स्टडीज हो रहे हैं जिसमें प्रोफिलैक्टिक भी वो देख रहे हैं और थेरापेटिक इम्पैक्ट भी देखने की वो कोशिश हो रही है। सब में एक समझना बहुत ज़रूरी है कि आज के तौर पे डर के मारे हेल्थ केयर वर्कर्स कई साइट पे सारे के सारे ये दवा लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ साइट